हॉलिस्टिक हीलिंग क्या होती है? हॉलिस्टिक हीलिंग हमारे जिस्मानी या नफसियाती निज़ाम की खराबी या नामुनज़्ज़म निज़ामों को मुनज़्ज़म कर देती है। हॉलिस्टिक हीलिंग जब से इंसान पैदा हुआ है तब से चली आ रही है। साइंस के लिहाज से कायनात में जो कुछ भी मौजूद है उसके दरमियान एक बहुत ही मुस्तहकम और मुस्तकिल राबता है। इसमें मौजूद छोटी या बड़ी चीज़ें तमाम एक दूसरे से मुंसलिक हैं, चाहे वो ज़र्रा हो, एनर्जी हो, जमादात हों या जानदार हों। इस कायनात में इंसान भी शामिल है जिसका राबता ना नज़र आने वाली एनर्जी के ज़रिए तमाम कायनात से है। वाज़े अल्फाज में कहा जाता है कि इंसान इन कुव्वतों का हामिल है जो कि पूरी कायनात में मौजूद है। फ़र्ज़ करें हम इस बात से इनकार करें कि इंसान का राबता कायनाती कुव्वतों से नहीं है। अगर नहीं है तो फिर इंसान इस कायनात में मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस तरह इंसानी जिस्म के तमाम अज़ा जिस्म का हिस्सा हैं, इस तरह इंसान भी कायनात का हिस्सा है, क्योंकि ये जिस्म कायनात के अंदर ही है। लेकिन इंसान ने अपना खुफिया नंबर पासवर्ड गुम कर दिया है। आप यूँ समझ लें, हम अब भी कायनात से राबते में हैं, लेकिन हमने मॉनिटर की स्क्रीन को ख़राब कर दिया है जिसकी वजह से कोई प्रोग्राम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये पासवर्ड हमें मिलेगा कहाँ से? ये मॉनिटर की स्क्रीन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जब इंसानी सलाहियतों की बात होती है तो सब परेशान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सी और कैसी सलाहियतें होंगी, क्योंकि नज़र नहीं आती हैं। तो क्या इंसानी हकीकत में कायनाती सलाहियतों का हामिल होगा भी या नहीं? तो क्या इंसान सिर्फ गोश्त, पोस्त, हड्डी और खून है? इंसान का जंगलों से निकलने का भी यही मुहरिक था। और एक सलाहियत जिसकी कई शाखें हैं, जिसकी जील साइंसिस में बड़ी खूबसूरत तरीके से तकसीम बंदी हुई है, लेकिन लोग इसको अलग अलग कुव्वत या सलाहियत समझते हैं जिसकी दर्जा जेल कई नाम रखे गए हैं। दुनिया की हर कौम, हर मज़हब में मुख्तलिफ तौर तरीके होते हैं जिनको वो हॉलिस्टिक हीलिंग कहते हैं। इस तरह कुछ तरीके हैं जो कि हम साइंटिफिकली इस पर रिसर्च करते हैं। बुद्ध मज़हब में मुख्तलिफ मंत्र यानी दुआएं, प्रार्थनाएं होती हैं। हॉलिस्टिक हीलिंग को बहुत सारे नामों से याद किया जाता है, बायो एनर्जी, बायो कॉस्मेटिक फोर्स, लाइफ फोर्स, ऑडिक फोर्स, पुराणायाम, मैकेनिकल फोर्स, जहनी कुव्वत, दिमागी कुव्वत, बायो प्लाज्मिक मैकेनेटिक फोर्स, रूहानी कुव्वत, चाक्रास, पैरानॉर्मल कुव्वत, माना, मैग्नम एनरीज, वाइटल फोर्स, रूह, किंडालनी, ची पावर, वायलेट फिल्म, रूहों की कुव्वत, रूहानी लोगों की कुव्वत, टेलीपैथी कुव्वत, साइकोट्रांग, साइकोट्रैनिक, मिसरिज्म, शऊर बातिन, शऊर ज़ाहिर, रिफ्लेक्स, रूनस, मिसाली जिस्म या हमजात, एथरिक कुव्वत या समदा हीलिंग सिस्टम। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसान को बिल्कुल खाली समझते हैं। उनके नज़दीक इंसान में कोई सलाहियत मौजूद नहीं है सिवाय मादी रेशे के। कुछ लोगों के नज़दीक इंसान सितारों के ज़ेरे असर है, कुछ के नज़र में जिन भूत, कुछ की नज़र में कायनाती कुव्वत और कुछ के नज़दीक अच्छी या बुरी रूहों के ज़ेरे असर है। इंसान शुरू से अब तक एक बरतर कुव्वत का अकीदत मंद रहा है और इस बरतर कुव्वत की तलाश में थका देने वाली रियाजात भी की गई हैं। इस बरतर कुव्वत के खातिर किस्म किस्म के अकायद वजूद में आए। बरतर कुव्वत को हर अकीदतमंद अलग अलग तसव्वुर से देखता है। कुछ चंद बरतर कुव्वतों के कायल हैं और कुछ लोग एक या दो कुव्वतों के कायल हैं। तकरीबन दुनिया के 15% लोग बरतर कुव्वत खुदा को मानते भी नहीं हैं। खुदा के बारे में मजाहिब के दरमियान एक जंग सी शुरू है। हर मजहब के अकीदतमंद खुदा के बताए पैगामात, अहकामात, मौजज़ात, तख्लीकात और इजादात अपने तौर तरीक़ों से देखते हैं और दूसरे मजाहिब वाले गलत ठहराते हैं। कुछ कहते हैं कि खुदा ऐसा बताता है, दूसरे कहते हैं खुदा ऐसा नहीं बताता है। दूसरी तरफ इस तरह की बातों ने इंसानों के दरमियान नफ़रतें, हसद, तंग नज़री, गुरूर और खुदगर्जी की दीवारें खड़ी कर दी हैं। दुनिया में 19 बड़े फ़िरके हैं। ये फ़िरके एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। जाहिर है फ़िरका बनाने की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब बहुत से सवाल पैदा हो जाएँ। कुछ फ़िरके साइंसी उलूम को भी गुमराहगरी समझते हैं, जबकि दूसरे लोग साइंस की अच्छी और मुज़िर इजादात को खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। साइंस भी तो इस कायनात में मौजूद चीज़ों से बहस करती है, यानी उन चीज़ों से बहस करती है जो बरतर कुव्वत खुदा ने बनाई हैं।